लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें विक्की कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, स्टारर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उस फिल्म ने विक्की कौशल का करियर बना दिया था। लेकिन उस फिल्म के पीछे कई लोग शामिल थे, जैसे गीतकार, निर्देशक, लेखक आदित्य धार। उन्होंने फिल्म की कहानी और फाइट सीक्वेंस को चुस्त दुरुस्त रखा और इसे एक बेहतरीन शानदार ब्लॉकबस्टर बना दिया था। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने बॉक्स ऑफिस पर 360 करोड़ रुपए कमाए थे और उस वक्त भी इस फिल्म को लेकर कई सवाल उठे थे। क्या है ये फिल्म? क्या ये सिनेमा है या सरकारी प्रचार है? 2024 में कटौती है, ठीक 5 साल बाद एक और फिल्म आती है, ठीक चुनाव से पहले, धारा 370, इसमें यामी गौतम भी है। फिल्म के निर्माता आदित्य धार है, वह यामी गौतम के अब पति भी हैं। अनुच्छेद 370 जो मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, उस घटनाक्रम पर नजर रखता है जिसके बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। इस बार ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 370 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि फिल्म का प्रचार प्रसार कितना है, ये तथ्य है या कल्पना है? नमस्कार दोस्तों, मैं निखत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर के शो फिल्मी दुनिया को। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 को हटा नहीं सकते। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। क्या आपको धारा 370 देखनी चाहिए? अगर आप भी ये फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घटनाओं से आम जनता भली भांति परिचित है, लेकिन इस धारा को हटाने से पहले क्या क्या तैयारियां हुई वह सब इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के प्रधानमंत्री कार्यालय के टॉप सीक्रेट फैसले पर आधारित है। घाटी में घमासान से शुरू होती है ये कहानी। कहानी का आरंभ 5 अगस्त 2019 में राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद मचे घमासान से होता है। वहां से कहानी वर्ष 2016 में कश्मीर में आती है। आईबी अधिकारी जूनी हक्सर, जो इस फिल्म में यामी गौतम किरदार निभा रही हैं, अपने वरिष्ठ की अनुमति के बिना हिजबुल कमांडर को मारने के मिशन में सफल रहती हैं। इसके बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हिंसा भड़क उठती है, हालत बेकाबू हो जाते हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले की पूरे देश में चर्चा हुई थी। फैंस ने यामी के लुक और एक्टिंग की तारीफ भी इस फिल्म में खूब की है। इसके साथ ही अन्य कलाकारों की एक्टिंग भी जबरदस्त है। इस फिल्म में अरुण गोविल प्रधानमंत्री के रोल में नजर आएंगे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, उन्होंने भी आर्टिकल 370 की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने मूवी का जिक्र करते हुए बातों ही बातों में अपोजिशन पार्टी पर तंज भी कसा था। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ में क्या कहा था। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको आर्टिकल 370 और हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हिंदी खबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।